मसला कोई भी राजनीति, फिल्म या धर्म। अयोध्या के जगतगुरु परमहंस आचार्य अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। कभी वह शाहरुख खान पर विवादित टिप्पणी कर देते हैं तो कभी उदयनिधि स्टालिन को धमकी दे डालते हैं। इस बार उनके निशाने पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। उन्होंने कहा कि जो कोई भी स्वामी प्रसाद मौर्य को गोली मारेगा वो उसे 25 करोड़ रुपये इनाम देंगे। इस बयान को लेकर परमहंस आचार्य की आलोचना भी हो रही है। चंदा और भीख पर पलने वाले जगतगुरु परमहंस आचार्य ने एक बार फिर बड़ा विवादित बयान दिया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को जो गोली मारेगा मैं उसको 25 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। ये पैसे उसके घर भिजवा दूंगा और उसकी विधि सहायता करूंगा, क्योंकि उसने सभी हदें पार कर दी है, अब इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद भी अगर इसको कोई गोली नहीं मारता तो उससे ज़रूरत पड़ेगी, मैं स्वयं इसको गोली मारूंगा। एक बार इस गुंडे बने आचार्य को सुनते हैं। आज मैंने देश का विभाजन करने वाला राक्षस मोहम्मद अली जिन्ना का हमने पुतला जलाया और जिन्ना पुत्र सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला जलाया, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा कि हिंदू महासभा ने हिंदू राष्ट्र की चर्चा किया इसलिए देश का पार्टीशन हो गया था। उसने जो है देश के विभाजन का जिम्मेवार कहा जिन्ना नहीं हिंदू महासभा है और वीर सावरकर को बताया। इसलिए अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य मैं आज इनाम की घोषणा करता हूं कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को जो गोली मारेगा उसको मैं 25 करोड़ का इनाम दूंगा, उसके घर भिजवा दूंगा और उसकी विधिक सहायता करूंगा, क्योंकि इसने सारी हदें पार कर दिया है, अब इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद भी अगर इसको कोई गोली नहीं मारा तो जरूरत पड़ेगी तो मैं स्वयं इसको गोली मारूंगा। इस वीडियो को आपने सुना तो सवाल मन में बनना चाहिए कि इस पाखंडी गुंडे मवाली के पास करोड़ों रुपया कहां से आया, और क्या ये खुद में कोर्ट है या फिर जज है जो खुलेआम किसी ओबीसी समाज के बड़े नेता को धमकी दे रहा है। क्या इस पर कानूनी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए, और इस पाखंडी के पास कौन सी डिग्री है जो खुद को आचार्य कहता है, और ये कौन से जगत का जगतगुरु है, इसने कौन से आयाम विश्व में स्थापित किए हैं, ये सब जांच का विषय है। ये व्यक्ति चंदे की खाता है और शाहरुख को जला देने और स्टालिन को काट देने की बात करता है, और अभी कहाँ गया ईडी और एनआईए? किसके नाम पर उछल रहा है ये हिंदू धर्म का कलंक? ये व्यक्ति लंगोट भी भीख के पैसे से पहनता है तो कहाँ से आए इसके पास करोड़ों? इस बाबा ने आज से कुछ माह पहले अयोध्या में राहुल गांधी को श्रद्धांजलि दी थी, साथ ही इसने राहुल गांधी की एक शोक सभा का आयोजन भी रखा था। इसके अलावा परमहंस आचार्य साल 2022 में लखनऊ के लुलू मॉल में भी विवाद में घिर चुके हैं। परमहंस आचार्य मॉल के अंदर नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आने पर वहां अपने समर्थकों संग पहुंच गए थे। उनका कहना था कि नमाज पढ़ने से मॉल अशुद्ध हो गया है जिसका शुद्धिकरण जरूरी है, हालांकि पुलिस ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया था। तो दोस्तों आप ही बताइए, ये व्यक्ति हर वक्त जहर खुद ही उकलता है, ये कैसे सनातनी हो सकता है, और ये आतंकी भाषा खुद ही बोलता है, इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। आप देख रहे थे द दस्तक 24 की रिपोर्ट।